हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप ऑडियो आई एम ऑडिबल प्रॉपरली एंड विजिबल टू। अगर कोई भी इशू है ऑडियो वीडियो के साथ तो बताइए, ठीक है। सो कल के लेक्चर में हम लोग साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर बात कर रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन किए एंड हमने थ्योरी भी देखी उसकी, क्या क्या चीज़ें होती, क्या प्रॉपर्टीज होती है साइक्लिक ग्रुप्स की, राइट। जैसे कुछ चीज़ें अगर रिकॉल करें तो मैंने बताया था आपको दो चीज़ें साइक्लिक ग्रुप के बारे में। ZN जो है, अगर कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का तो ZN के आइसोमॉर्फिक होता है, और कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो Z के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ZN और Z की आपको प्रॉपर्टी सारी पता होना चाहिए, ठीक है। आकाश, गुड इवनिंग, एवरीथिंग फाइन आकाश? वीडियो ऑडियो सब ठीक है? ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले तो हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। दो दिन हम लोग परमुटेशन के लेक्चर करेंगे, एक आज और फिर कल, क्योंकि परमुटेशन थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं उससे, तो दो दिन हम लोग देने वाले हैं परमुटेशन को। क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। परमुटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, परमुटेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली हम साइक्लिक नोटेशन का ही यूज़ करते हैं, तो वो कैसे आता है वो देखेंगे, ठीक है। परमुटेशंस एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशंस, बेसिक चीजें जो है थोड़ी, इवन एंड ऑड परमुटेशन क्या होता है, देन वी विल कम टू परमुटेशन ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड देयर एलिमेंट्स, ओके। देन ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस क्या होता है, ओके। पार्टीशंस ऑफ एन, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है हमें, देन साइक्लिक डिकम्पोजिशन एंड देन नंबर ऑफ परमुटेशंस विद सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन। कोई साइकिल डिकम्पोजिशन दिया रहेगा और आपसे पूछा जाए कि इस टाइप के कितने परमुटेशंस होंगे, या फिर ऐसे परमुटेशन कितने होंगे जिनके पास ये साइकिल डिकम्पोजिशन होगा, और सबसे ज्यादा इसी के हमें जरूरत भी पड़ती है, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो बेसिक चीजें परमुटेशन के लिए हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू परमुटेशन ग्रुप, ओके फाइन। कॉन्टेस्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि कॉन्टेस्ट अपलोड हर एक दिन का जब भी यूट्यूब लाइव होता है उससे पहले कॉन्टेस्ट आप ऐप पे जाके दे सकते हैं, ठीक है, और उसी से रिलेटेड हम लोग फिर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, तो आपको देना भी चाहिए, वहाँ पे फ्री में जाके आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज परमुटेशन, परमुटेशन होता क्या है, ठीक है। परमुटेशन इज बेसिकली अ फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सम फाइनाइट सेट, इसका कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेट्स से एन, टू सेम सेट एक्स। सो परमुटेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट एक्स टू एक्स, ठीक है। अब इसको डिफरेंट तरीके से आप नोट कर सकते हो, अगर एक्स में फाइनाइट एन एलिमेंट्स हैं तो इनको आप लिख भी सकते हैं, लेट्स से 1, 2, 3 अप टू एन। जरूरी नहीं कि 1, 2, 3 एन ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इधर भी आपका 1, 2, 3 अप टू एन। लेट्स से कोई बाइजेक्टिव फंक्शन हम डिफाइन करें एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स, सच दैट एफ ऑफ x equals to x plus 1, okay, for all x less than n greater than or equals to 1. इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आप x less than n से पहले जो भी एलिमेंट है उससे आगे वाले एलिमेंट पर चले जाएंगे, राइट। जैसे 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, ऐसे ही जब आप n minus 1 पे आएंगे तो इधर n minus 1 होगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, n, n पे आएंगे तो n के लिए हम डिफाइन अलग से कर देते हैं, f of n equals to let's say 1, राइट। तो एक फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है x टू x, सो दिस इज अ परमुटेशन। ये क्या है, परमुटेशन है। अब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नोट कर सकते हो, इसका एक तो नोटेशन यही है कि आप ऐसे फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है जिस तरीके से सारे फंक्शंस नोट होते हैं किसी फॉर्मूले से नोट कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो परमुटेशन को, इसको f है तो इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, जितने डोमेन में एलिमेंट है वो सारे ऊपर लिख दो पहली वाली रो में, 1, 2, 3 अप टू n, फिर उसके नीचे हर एक एलिमेंट के नीचे उसकी इमेज लिख दो, राइट। 1 की इमेज क्या है 2, तो 1 के नीचे 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 4, अप टू n की इमेज क्या है 1। तो एक ये नोटेशन होता है परमुटेशन का, ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो परमुटेशन मान लिया आपको दिए हैं, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। परमुटेशन क्या है, फंक्शन है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन आप कैसे करते हो, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट। अगर एफ और जी दो फंक्शन है तो एफ जी कंपोजिशन क्या करते हो आप, एफ ऑफ जी एफ एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ जी एफ एक्स, पहले जी एफ एक्स निकालते हो फिर उसका एफ के अंडर इमेज निकालते हो। तो सेम विद द परमुटेशन, लेट्स से एफ कोई परमुटेशन आपको दिया है, कोई छोटा परमुटेशन ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड लेट्स से 4, 3, 1, 2 ये दिया है, और जी आपको दिया है 1, 2, 3, 4 चार एलिमेंट के सेट पे ही चाहिए, दो परमुटेशन लेट्स से डिफाइन है 1, 2, 3, 4 एंड लेट्स से 2, 3, 4, 1 ये दो परमुटेशन है, इनका आपको मल्टीप्लीकेशन कराना है। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो f इंटू जी क्या हो जाएगा, f इंटू जी, तो पहले में क्या देखना है, g में एलिमेंट्स का इमेज देन लास्ट में f का, राइट। तो f इंटू जी में पहले देखिए आप, पहले तो ऊपर डोमेन के सारे एलिमेंट लिख लो 1, 2, 3, 4 1 का इमेज जी में क्या है, 1 का इमेज 2 है, 2 आपका कहाँ जा रहा है, f में 3 पे जा रहा है, तो 1 अल्टीमेटली कहाँ गया,
3 पे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 है, 2 का इमेज यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो 2 का इमेज हो गया 1, देन 3 कहाँ पे जा रहा है, 4 पे, 4 कहाँ जा रहा है, 2 पे, तो 2 आ गया, राइट। अब देखो 4 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 4 पे, तो 4 कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया, ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, राइट। ओके, आई होप मल्टीप्लीकेशन क्लियर है आपको। देन बात करते हैं और दूसरा कोई नोटेशन हो सकता है क्या, अगर आप ग्रुप्स में जाओगे SN में, जो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस होता है, हेलो राजा रमन सर, तो ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, नोटेशन इसका भी हम यूज नहीं करते हैं, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, साइक्लिक नोटेशन का यूज करते हैं, हर एक परमुटेशन को हम साइक्लिक नोटेशन में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये परमुटेशन है, तो इसको साइक्लिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। परमुटेशन क्या है, एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड देन 4 3 1 2 4 3 1 2। साइक्लिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, पहले कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक आप एलिमेंट लिख सकते हैं, लेट्स से 1 ले लिया। अब 1 के आगे जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे वो 1 का क्या होगा, इमेज होगा अंडर f, तो 1 का इमेज क्या है, 4 है। अब 4 के आगे उसका इमेज, 4 का इमेज क्या है, 2 है, देन 2 का इमेज क्या है, 3 है, 2 के आगे 3 लिख दिया, देन 3 का इमेज 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज। लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा उसका फर्स्ट वाला क्या होगा, इमेज होगा। 1 का इमेज 4 का इमेज 2 का इमेज 3 एंड 3 का इमेज 4। तो हर एक परमुटेशन को हम साइक्लिक नोटेशन में लिख सकते हैं। साइक्लिक नोटेशन में लिखने के बाद आप हर एक परमुटेशन को क्या कर सकते हो, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी परमुटेशन दिया, जैसे इसमें एक ही साइकिल आया, उसमें एक से ज्यादा भी साइकिल आ सकते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट साइकिल में लिखने के बाद फिर हम लोग जब ग्रुप बनाएंगे तो फिर ऑर्डर निकालते हैं, तो ऑर्डर निकालने में उसमें आसानी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइकिल फॉर्म में। फिर इसके बाद क्या है कि हर एक परमुटेशन को हम टू लेंथ की साइकिल्स के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। किसी भी परमुटेशन को, जैसे ये परमुटेशन है, इसको ही आप क्या कर सकते हो, टू लेंथ की साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3 1 2 1 4, राइट, 1 3 1 2 एंड 1 4। अगर इनका प्रोडक्ट कराओगे तब भी आपको यही मिलेगा, आप प्रोडक्ट करा के देख लीजिए, ठीक है। तो और दो लेंथ की साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। दो लेंथ की साइकिल को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो इसी से हम इवन ऑड परमुटेशन डिफाइन करते हैं। इवन परमुटेशन क्या होता है, अगर किसी भी परमुटेशन में इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है, मतलब इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स अगर हैं, तो उसको इवन परमुटेशन बोलेंगे। अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है, तो उसको ऑड परमुटेशन बोलेंगे। ये इवन और ऑड परमुटेशन का डेफिनेशन हो गया। मल्टीप्लीकेशन आपको आ गया है, इस टाइप के अगर लिखे होंगे तो कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है। साइकिल फॉर्म में अगर लिखे हैं तो उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे f इक्वल्स टू, मान लिया यही आपका 1 4 1 4 2 3 है, ये के परमुटेशन है। लेट्स से g इक्वल्स टू कुछ ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये ले लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट कराना है f into g, मतलब 1 4 1 4 2 3 into 1 2, आई होप के दिख रहा हो आपको, एंड लास्ट में इधर 3 4 लिख लेंगे, ठीक है। ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कराना है तो आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट की ओर आपको देखनी है इमेजेस, ठीक है। इवन प्लस ज्योति बोल रही है, ठीक है, साइन, ठीक है। अगर साइन से आप लोग डिफाइन करते हो तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट कुछ आपको देखना नहीं है। अगर ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करिए, और कोई भी एन लेंथ का अगर साइकिल है, उसके पास एन माइनस वन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होते हैं। जैसे ये 4 लेंथ का साइकिल है, इसके पास कितने ट्रांसपोजिशन है, 3, राइट। तो अगर कोई पूछे एन ऑड, लेट्स से 8 लेंथ का कोई साइकिल है, तो वो कैसा परमुटेशन होगा, ऑड परमुटेशन होगा, क्योंकि उसके पास 8 - 1 7 ट्रांसपोजिशन होंगे, राइट। ऐसे आप निकाल सकते हो किसी भी परमुटेशन का। तो अगर इसका प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं साइक्लिक नोटेशन में, ऐसे तो हम देख ही चुके हैं कि कैसे कराना है। तो यहां पे कोई भी आप एलिमेंट एक लिख लो, लेट्स से 1 लिख लिया सबसे पहले। अब 1 का इमेज यहां से देखना शुरू करो, 1 का इमेज यहां कहीं नहीं जा रहा है, 1 का इमेज 2 है। अब 2 का इमेज यहां पे देखो 3 है, तो 1 अल्टीमेटली कहां जाएगा, 3 पे। अब 3 देखो, 3 का इमेज 4 यहां पे कहीं नहीं जा रहा, 4 का इमेज 2, तो देन 3 का इमेज हो गया 2। अब 2 देखो, 2 का इमेज 1 का इमेज यहां तो कहीं 2 जा नहीं रहा था, 2 का इमेज यहां पे 1 है, 1 का इमेज 4 है, तो 2 का इमेज हो जाएगा 4। उसके आगे और देखो, 4 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, राइट, तो 4 का इमेज 1 होगा, इसलिए ये क्लोज हो गया, 1 3 2 4 प्रोडक्ट आ गया। ऐसे प्रोडक्ट करा लेंगे हम, ठीक है। ओके, तो अगर मान लिया दो परमुटेशन आपको दिए जाए, एफ और जी, राइट, तो एफ इंटू जी क्या होगा, अगर ये दोनों इवन हो तो ये इवन है, ये भी इवन है, तो प्रोडक्ट एफ इंटू जी क्या हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। क्यों इवन हो जाएगा, क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, इसमें भी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, प्रोडक्ट कराएंगे तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, ठीक है।
सर दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है आई थिंक सब कुछ ठीक है। ओके तो एफ इंटू जी कैसा हो जाएगा, इवन ऐसे अगर एफ ऑड हो, लेट्स से एफ इंटू जी, एक अगर मैं ऑड ले लूं, ये वाला इवन ले लूं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद ये परमुटेशन कैसा आएगा एफ इंटू जी कराने पर। इसमें ऑड है मतलब ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, इवन है मतलब इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, तो अगर प्रोडक्ट कराएंगे तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद कितने हो जाएंगे, इवन और ऑड को अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा, इसलिए ऑड परमुटेशन आएगा। ऐसे आप और भी देख सकते हो, अगर मान ले दोनों को मैं ऑड ले लूं, एफ इंटू जी ये ऑड परमुटेशन, ये भी ऑड परमुटेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद क्या मिलेगा, इसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों में ऐड हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऐड होंगे और ऑड प्लस ऑड को ऐड करने के बाद क्या मिलता है, इवन मिलता है हमें। तो ये अगर दो परमुटेशन ऑड है उनका मल्टीप्लिकेशन कराने पे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा ठीक है। गुड इवनिंग राहुल ज्योति, रिपीट प्लीज सर। ओके क्या रिपीट करना है, बहुत सिंपल चीजें है, अगर ग्रुप आपने परमुटेशन पढ़ा है तो ये बहुत बेसिक बेसिक में बता रहा हूं ठीक है। तो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया, वन जैसे एफ और जी अगर दो साइक्लिक फॉर्म में दिए हैं तो कैसे प्रोडक्ट कराना है, आपको क्या देखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ इमेजेस देखनी है एलिमेंट्स की। जैसे आप यहाँ पे मैंने वन लिख लिया था राइट, तो वन का इमेज इधर से देखना शुरू करो, यहाँ पे वन है नहीं तो वन का कोई इमेज नहीं, यहाँ पे वन का इमेज कितना है, उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट टू इमेज है। अब वन का इमेज टू तो हो गया, पर टू वन का इमेज नहीं होगा, लास्ट तक जाने पर क्या इमेज है वो रहेगा वन का इमेज, तो वन का इमेज टू हुआ, अब टू का इमेज देखो, टू का इमेज थ्री है, तो अल्टीमेटली वन का इमेज क्या हुआ, थ्री हुआ। ऐसे बाकी सारे एलिमेंट्स के इमेज देखते चले जाओ ठीक है। तो ये बेसिक है, परमुटेशन क्या होता है, इवन परमुटेशन क्या होता है, ऑड परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे कराना है, वो सारी चीजें होंगी। तो कुछ क्वेश्चन इस बेसिक्स पे कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड। ओके सी, ये पहला क्वेश्चन देखे गया है और जल्दी से इसका आंसर बताइए। गिवन परमुटेशन ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस बी इनटू ए। B इंटू ए क्या आएगा परमुटेशन, आप निकाल के बताइए, तब तक हम भी निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2 इंटू 1 2 3 4 5 2 3 2 3 1 5 4। ओके क्या करना है हमें, राइट से लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन करना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 4 5 लिख लिए। ओके अब इमेज देखना शुरू करो, वन का इमेज टू राइट, टू का इमेज यहाँ पे क्या है थ्री, तो वन का अल्टीमेट इमेज क्या हो जाएगा, वन का इमेज थ्री। थ्री का भी इमेज देखो, थ्री का यहाँ पे, या फिर टू का ही देखो, यहाँ पे तो ऐसे लिखा है ना, टू का इमेज थ्री, थ्री का इमेज फोर, तो टू का इमेज हो गया फोर राइट। देन थ्री का इमेज, थ्री का इमेज वन, वन का इमेज वन, तो वन ही आ गया। फोर का इमेज देखो, फोर का फाइव, फाइव का टू, तो फोर का टू। फाइव का देखो, फाइव का फोर, फोर का फाइव, तो फाइव का फाइव हो गया। ये आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया, देख लो इसको चेक करके कौन सा आ रहा है, 1 3 2 4 1 3 2 4 3 1 4 2 5 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है। जस्ट रिवीजन करने के लिए कैसे कराना है, बस बाकी सारी चीज आपको बताएं। ओके सो ए इज बिल्कुल करेक्ट है विद्युत। ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जल्दी से करके बताइए क्या आएगा। इफ अल्फा इक्वल्स टू दिस, साइक्लिक नोटेशन में दिया है, बीटा ये दिया है, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कंपोजिशन बीटा या अल्फा इनटू बीटा, क्या आएगा बताइए जल्दी से। अल्फा इक्वल्स टू 1 5 3 6 और बीटा को भी साथ में ही लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा कंपोजिशन बीटा इक्वल्स टू, बीटा क्या है 7 9 5 4, तो इनका जब प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले आप वन लिख लो ठीक है, वन का इमेज यहाँ से देखना शुरू करो, वन का इमेज कहीं नहीं है, वन का इमेज इसमें है नहीं, वन का इमेज नहीं है, वन का इमेज फाइव, तो वन का इमेज हो गया फाइव। अब फाइव देखो, फाइव का इमेज फोर, फोर इधर कहीं नहीं, फोर इधर कहीं नहीं, फोर इधर कहीं नहीं, तो फोर आ गया नाइस। फोर का इमेज देखो, अब फोर का इमेज फाइव, फाइव कहीं नहीं, फाइव यहाँ पे नहीं, फाइव का इमेज वन आ रहा है, तो ये फोर का इमेज भी वन होगा, वन हम लिख चुके हैं पहले, तो ये क्लोज कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे वन आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया, तो बचे हुए एलिमेंट्स में तो कोई भी आप एक एलिमेंट ले सकते हो, लेट्स से टू ले लिया, टू का इमेज देखो क्या है, टू इधर कहीं नहीं, इधर कहीं नहीं, इधर कहीं नहीं, यहाँ पे भी कहीं नहीं, तो टू पूरे में फिक्स ही रहेगा, कहीं पे भी जा ही नहीं रहा टू। और सिंगल साइकिल का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट खुद पे ही जा रहा है ठीक है।
तो टू आ गया, उसके बाद थ्री देखना शुरू करते हैं, थ्री ले लिया, थ्री कहीं नहीं, थ्री यहाँ पे भी नहीं, थ्री कहाँ पे जा रहा है, सिक्स पे, और सिक्स यहाँ पे कहीं है नहीं, तो थ्री सिक्स पे ही जाएगा। अब सिक्स देखो, सिक्स कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, सिक्स यहाँ पे थ्री पे जा रहा है, और थ्री इधर है नहीं, तो सिक्स थ्री पे ही जाएगा, इसलिए इसको क्लोज कर दिया। अब सारी चीज़ें आ गई सिक्स तक, अभी और बचा है सेवन और नाइन, तो सिक्स के बाद लिख लेते हैं सेवन। अब सेवन यहाँ कहीं नहीं जा रहा, यहाँ पे सेवन नाइन पे जा रहा है, पीछे कहीं नाइन है नहीं, तो सेवन नाइन पे जाएगा। ओके, अब नाइन का भी देख लें, फिर इसको बाद में क्लोज करेंगे। नाइन का भी इमेज देखो, नाइन यहाँ कहीं नहीं है, नाइन यहाँ पे सेवन पे जा रहा है, सेवन यहाँ कहीं है नहीं, तो नाइन सेवन पे ही जाएगा, इसलिए ये क्लोज हो जाएगा। ओके, कुछ बचा है, एट बचा है, एट देख लेते हैं कहाँ जाएगा। एट यहाँ कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, मतलब एट फिक्स हो रहा है, एट जो है खुद पे रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन शायद इसमें नहीं दिया है, दिया है 154 एंड 36। और एक चीज़ है, जब हम परमुटेशन को लिखते हैं तो जो वन लेंथ के साइकिल्स हैं, मतलब वो फिक्स एलिमेंट हो रहा है, उनको हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो 154, 36, राइट, 79, 8 को और 2 को छोड़ देंगे, तो कौन सा ऑप्शन, बी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन, राइट विद्युत, बी करेक्ट होगा, राइट। 54541 वन, एक सेकेंड, लेट मी चेक इट, ये है आपका 5-4, साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, साइकिल में क्या है, 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 1, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1, आई थिंक यू आर राइट, 36, इसमें 5 के बाद 1 आ रहा है, तो ये नहीं है, बी, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल सही है आपका, ए होगा, ठीक है, हाँ ज्योति, ए ही होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जल्दी से करके बताइए, इवन है, ऑड परमुटेशन है, ये वाला, ए बी सी डी में से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशंस इज आर इवन, कौन सा इवन है या ऑड है। हाँ यही होगा, ठीक है विद्युत, इवन ऑड के लिए क्या करना है, हमें साइकिल फॉर्म में लिखना है, और साइकिल फॉर्म में लिखने के बाद उसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस पता करने हैं। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हर साइकिल में कितने होते हैं, अगर लेंथ n है तो उसमें n माइनस 1 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होते हैं, तो इसको अगर हम साइकिल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे, तो ये क्लोज हो गया, फाइन। उसके बाद 2 लिख लेते हैं, 2 कहां पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, और 4 2 पे, तो ये भी क्लोज हो गया। इसमें कितने ट्रांसपोज, ये पहले से ट्रांसपोजिशन फॉर्म में लिखा हुआ है, कितने ट्रांसपोजिशन है, 2, 2 कैसा है, इवन, सो दिस इज इवन परमुटेशन। ओके, ये वाला देखो, इसको साइकिल फॉर्म में 1 तो फिक्स हो रहा है, तो 1 ऐसे ही लिख लिया, 2 भी फिक्स, 3 भी फिक्स, 4 भी फिक्स, राइट, 2 भी फिक्स हो रहा है, 3 भी फिक्स हो रहा है, 4 भी फिक्स हो रहा है, तो इसमें कितने ट्रांसपोजिशन है, कोई भी नहीं है, ट्रांसपोजिशन मतलब दो लेंथ का साइकिल, कोई भी नहीं है, तो ये कैसा हो गया, ऑड परमुटेशन हो गया। ये बेसिकली आइडेंटिटी परमुटेशन है, इसमें जब दो लेंथ वाले, एक लेंथ के सारे रहते हैं, तो केवल एक आप लिख दो, बाकी नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको खाली ऐसे लिख देते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन को, 1, मतलब बाकी सारे फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, इसको जब हम साइकिल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 तो फिक्स हो रहा है, 2 3 पे जा रहा है, एंड 3 2 पे जा रहा है, 2 3 पे गया, 3 2 पे जा रहा है, इसलिए क्लोज हो गया। 4 भी फिक्स हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन दो लेंथ की साइकिल कितनी है, एक साइकिल है, तो ये भी ऑड हो गया। दो, एक कैसा होता है, ऑड होता है, सॉरी, ये वाला इवन होगा, ठीक है, ये इवन परमुटेशन होगा, ऑड नहीं होगा, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 0 है, एंड 0 इज ए इवन नंबर। ओके, सो दिस इज ए इवन परमुटेशन, चलो ए बता रहे हैं, बी भी आपका इवन है, सारी चीजें फिक्स हो रही हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने, 0 है, सो दिस इज ए इवन परमुटेशन, एक बार चेक कर लो, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइडेंटिटी इज इवन परमुटेशन। नाउ इसको देखो, 1 जा रहा है आपका 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, तो ये क्लोज हो गया, और 1 2 5 3, 4 इसमें है ही नहीं, तो इवन दिस इज नॉट ए परमुटेशन, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। परमुटेशन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या, ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 4 का कोई इमेज ही नहीं दिया गया है, है ना, डिफाइंड ही नहीं है, सो वी कैन स्किप दिस, दिस इज नॉट इवन ए परमुटेशन। ओके, सो ओनली इवन परमुटेशन आर दिस ए एंड बी, सी इज नॉट ए इवन परमुटेशन एंड दिस इज नॉट ए परमुटेशन। ओके फाइन, आई होप इट इज क्लियर। सो ये भी जल्दी से बता दो, गिवन परमुटेशन इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इसका साइकिल फॉर्म निकालेंगे तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, जल्दी से बताओ निकाल के। ए बी सी, एक सेकेंड, सी वाला तो ऑड हो रहा था ना, 1 2 3 पे जा रहा, 4 फिक्स हो रहा है, एक ट्रांसपोजिशन, सी वाला ऑड था पंकज, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ए एंड बी ओनली, हाँ ओके फाइन।
इसको जल्दी से बताओ कि इक्विवेलेंट कौन सी फॉर्म आएगी इसकी, एंड देन हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप पे बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालने के लिए मतलब साइकिल फॉर्म निकालनी है, तो 1 6 पे जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, तो 1 पहले से है इसलिए क्लोज हो गया। ओके, उसके बाद कोई भी एलिमेंट बचा हुआ लिख लो, लेट्स से 4 लिख लिया, 4 कहाँ जा रहा है, 5 पे, 5 4 पे, तो ये भी क्लोज हो गया। 1 2 3 4 5 6 तक सारे एलिमेंट इसमें आ गए हैं, तो यही होगा राइट, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 1 6 3 2 4 5, 1 6 3 2 4 5 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। हाँ सी बिल्कुल करेक्ट है विद्यू, ठीक है ओके फाइन। द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन, तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन के लिए पहले परमुटेशन ग्रुप पढ़ लेते हैं, देन वी विल सी व्हाट इज ऑर्डर, जस्ट ए मिनट। हाँ इनको थोड़ा हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले परमुटेशन ग्रुप समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर तो ग्रुप के किसी एलिमेंट का निकालेंगे ना, तो अब बात करते हैं परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, एंड एक सेकेंड, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है और साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस क्या है, परमुटेशंस पार्टीशंस ऑफ एन बिलोंग्स टू एन वो क्या है, नंबर ऑफ, ये सारी चीज़ें की यूज़ क्या है वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, तो जितने टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस आप डिफाइन कर सकते हो, कोई अगर फाइनाइट सेट एक्स है, उस जैसे ये एक्स आपका फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो परमुटेशन क्या होता है, फंक्शन बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम एक्स टू एक्स, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो भी डिफाइन कर सकते हो वो अगर किसी सेट में रखें तो उसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। एन क्यों, क्योंकि कार्डिनालिटी हम एक्स की कंसीडर कर रहे हैं, एन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होंगे, ठीक है। एस एन से डिनोट करते हैं, एस एन क्या होता है, एफ सच दैट एफ इज ए परमुटेशन ऑन एक्स, इज ए परमुटेशन ऑन एक्स, ओके। और इसमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे, तो ऑर्डर ऑफ एस एन ग्रुप कितना हो जाता है, एन फैक्टोरियल। क्यों एन फैक्टोरियल हो जाता है, क्योंकि आपके पास इधर भी एन नंबर एलिमेंट्स है, इधर भी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 अप टू n, है ना, ऐसे 1 2 3 अप टू n। तो कोई भी आप फंक्शन डिफाइन करना चाहोगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, जैसे 1 का इमेज देखोगे तो 1 के पॉसिबल कितने इमेजेस हैं, n इमेजेस हैं, तो कोई भी आ सकता है, इसके पास n पॉसिबिलिटी है राइट। जब 2 को मैप करोगे तो 1 किसी एक एलिमेंट को उसने कैप्चर कर लिया राइट। अब जो 2 है उस एलिमेंट पे तो नहीं जा सकता जिस पे ये गया, तो इसके पास पॉसिबिलिटी बचेंगी n-1, ऐसे ही इसके पास n-2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जब निकालोगे तो इन सब का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, n into n-1 n-2 up to 3 2 1, ऐसे करके राइट। तो इसका जब पूरा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, n फैक्टोरियल। इसलिए जो परमुटेशन ग्रुप आपका होता है ऑन n सिंबल्स, उसका ऑर्डर क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है। ग्रुप थ्योरी के लिए बुक बता दो, ग्रुप थ्योरी का अभी आईएफएस की तरफ से बुक जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं। फिलहाल अगर आपको पढ़ना है तो गैलियन का वेस्ट बुक है, ठीक है, अवस्टक्ट अलजेब्रा कंटेम्पररी, अवस्टक्ट अलजेब्रा गैलियन का आता है, वो वेस्ट बुक है, तो आप उसको कर ही सकते हो, ठीक है ओके। तो ये परमुटेशन ग्रुप होता है, सारे परमुटेशन एक सेट में रख लेंगे और ये ग्रुप बनाता है। अगर परमुटेशन आप कंपोजिशन करेंगे तो अगेन आपको एक परमुटेशन मिल जाएगा एक्स एक्स पे। ये हर एक एलिमेंट का आप इन्वर्स निकाल सकते हो, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई परमुटेशन है उसका इन्वर्स निकालोगे वो भी एक परमुटेशन होगा, ठीक है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। कोई भी लेट से परमुटेशन हमें दिया है, सिग्मा इक्वल्स टू, साइकिल फॉर्म में ही हमेशा लिख लेंगे, कोई भी परमुटेशन दिया है लेट से 1 2 3 4 एंड 5 6, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में ऐसे लिखा है। ये परमुटेशन कहाँ का है, एस सिक्स का है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, एस इन्वर्स इक्वल्स टू, केवल साइकिल्स को क्या कर देना, उल्टा कर देना है। इस साइकिल को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 2 1 6 5, इस साइकिल को उल्टा करेंगे तो 6 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 5 पहले लिख लो देन 4 3 2 1, कैसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट करती हैं। अब डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है, डिसजॉइंट साइकिल्स होती हैं वो साइकिल्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। 1 2 3 4 इसमें, 5 4 तक है, 5 6 इसमें, कोई भी एलिमेंट किसी में कॉमन है नहीं है, तो हम कम्यूट भी करा सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ हो सकता ना लिखे, पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट करती हैं, किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स क्या होता है, जस्ट उसको उल्टा कर देते हैं, ओके। उसके बाद ऑर्डर एलिमेंट का क्या होता है, कोई भी परमुटेशन सिग्मा है, ओके, और उसका लेट्स से साइकिल डिकम्पोजिट, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में हर एक परमुटेशन को लिख सकते हैं। डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखने के बाद परमुटेशन को, लेट्स से सिग्मा इक्वल्स कुछ ऐसे आपको मिलता है,
लेट्स से लैम्डा 1 टू द पावर के 1, मैं आपको बताता हूँ लैम्डा 1 क्या है, लैम्डा 2 टू द पावर के 2, इस टाइप से कुछ आपको ऐसे मिलता है। ओके या आप ऐसे मत लिखो, लेट्स से जब आप डिजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखते हो तो सिग्मा जो आता है आपको उसमें जो साइकिल्स आती हैं उनकी लेंथ कुछ ऐसे हैं, लेट्स से M1 M2 इस तरीके से लेंथ है साइकिल्स की, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या हो जाता है, LCM ऑफ लेंथ ऑफ डिजॉइंट साइकिल्स, लेंथ ऑफ डिजॉइंट साइकिल्स साइकल्स। ओके जैसे यहां पे अगर हमने M1 M2 लिखा है मतलब LCM ऑफ M1 M2 ऐसे आगे जो भी आते जाएंगे आपके डिजॉइंट साइकल्स की लेंथ होंगी उनका LCM लेना है। तो जैसे इस सिग्मा का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना आएगा, इस साइकिल का कितना लेंथ है 4, तो LCM ऑफ 4 कॉमा और इस साइकिल का कितना लेंथ है 2 और दोनों डिजॉइंट हैं तो 4, 2 LCM 4 और 2 का कितना आएगा 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज 4, राइट। इस तरीके से हम ऑर्डर निकाल लेते हैं, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें पहले क्या करना है, डिजॉइंट साइकिल फॉर्म में ब्रेक करना है देन ऑर्डर निकालना है। सो लेट्स से मैं आपको एक एलिमेंट देता हूं, इसका आप ऑर्डर निकाल के बता सकते हो, इफ सिग्मा इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 2, 3, 4 एंड लेट्स से 5, 6, इसका जरा ऑर्डर निकाल के बताइए क्या आएगा परमुटेशन का। तो इसका ऑर्डर अगर हम निकालने जाओगे, पहली चीज तो आपको क्या ऑब्जर्व करनी है कि क्या ये डिजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो पहले में क्या करना है, लिखना है, अदरवाइज फिर आपका गलत हो जाएगा। ओके पहले आपको डिजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखना है देन LCM लेना है, अगर डायरेक्ट आप LCM लेने जाओगे तो 5, 3 और 2 का ले लोगे तो मे भी गलत हो सकता है ना। सो लेट्स राइट इट इन द डिजॉइंट साइकिल फॉर्म, तो डिजॉइंट साइकिल फॉर्म मतलब मल्टीप्लीकेशन इसका करा लेते हैं, 4 आएगा आरती का, ठीक है लेट्स सी। तो मल्टीप्लीकेशन कराने के लिए मतलब पहला एक एलिमेंट ले लो और उधर से मल्टीप्लीकेशन कराना शुरू करो, 1 इधर नहीं है इधर नहीं है, 1 कहां पे जा रहा है 2 पे, देन 2 देखो 2 यहां कहीं नहीं जा रहा है, 2 जा रहा है 3 पे, ओके फाइन। और एक चीज 2 3 पे जा रहा है और 3 भी कहां पे जा रहा है, 3 आपका इधर जा रहा है 4 पे, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 4, नाउ 4 देखो 4 यहां पे जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, तो 3 आ गया, नाउ 3 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 5 पे, 5 आ गया, नाउ 5 जा रहा है 6 पे, 6 इधर कहीं नहीं जा रहा तो 6 आ गया, ओके 6 देखो अब 6 तो कहीं है ही नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा आ गया। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना हो जाएगा, एक ही पूरा साइकिल है राइट, तो इसका लेंथ कितना है 6, सो ऑर्डर ऑफ सिग्मा विल बी 6 नॉट 4, 450 नहीं 6 ऑर्डर आएगा, शायद मल्टीप्लीकेशन में गलत किया होगा आपने, एक बार चेक कर लो, मे भी हो सकता है मैंने गलत किया हो। सो 1 अगर आप लोगे 1 का इमेज वहां से देखना शुरू करो राइट, 1 कहीं नहीं जा रहा, 1 कहीं नहीं जा रहा, 1 जा रहा है 2 पे, तो 2 लिख लिया, 2 देखो कहां पे जा रहा है 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है तो 4 आ गया 2 के बाद, फिर तो 4 के बाद देखो 4 हमारा 2 पे जा रहा है, 2 3 पे तो 3 आ गया राइट, 3 के बाद देखो 3 4 पे, 4 5 पे तो 5 आ गया, 5 6 पे, 6 कहीं नहीं है तो ये आ जाएगा राइट। सो 6 इज द ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन। हम गलती क्या करते हैं परमुटेशन का ऑर्डर निकालने में, कभी कभी हम यही नहीं देखते कि डिजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखा है कि नहीं, सीधा डायरेक्ट LCM ऑफ साइकिल्स लेंथ ऑफ साइकिल निकाल लेते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना नहीं करना है हमें। और क्या बचा उसके बाद, पार्टीशन, ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन। ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन क्या होता है, पहले साइकिल डिकम्पोजिशन बता देते हैं। सी साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है, साइकिल डिकम्पोजिशन को आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड ऐसा कोई टर्म नहीं है। साइकिल डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, जो परमुटेशन में डिजॉइंट साइकिल्स हैं, ठीक है, ओके सर ओके, ठीक है, तो जो डिजॉइंट साइकिल्स फॉर्म में आपने लिखा है उनकी जो लेंथ है उन लेंथ्स को आप इसमें साइकिल डिकम्पोजिशन इस सेट में रखते हैं, उसी को बोल देते हैं साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ सेट। तो जैसे सिग्मा ये परमुटेशन हमारा ये था यहाँ पे, ठीक है, और इसको जब आपने डिजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखा तो 6 आया, तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना हो गया, ओनली 6 इसके अंदर आ गया, क्योंकि एक लेंथ साइकिल है और उसका लेंथ कितना है 6। तो कोई और परमुटेशन लेट्स से सिग्मा इक्वल्स टू या फिर टाउ इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ टाउ कितना हो जाएगा, मतलब जो डिजाइन साइकिल की साइकिल्स हैं उनकी जो लेंथ्स हैं वो आपको लिखनी है, तो इसकी लेंथ कितनी है 3, 2, 1, ये रिपीट भी हो सकता है राइट। तो एक मल्टी सेट होता है डिफाइन अगर करना चाहो तो, दिस इज मल्टी सेट, इसमें केवल आपको क्या लिखनी है लेंथ ऑफ डिजॉइंट साइकिल्स, वही साइकिल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है।
ओके फाइन, तो साइकिल डिकम्पोजिशन का यूज कहाँ होता है? जब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के निकालने होते हैं, तो उस परमुटेशन, उस ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि परमुटेशन का क्या साइकिल डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो सकता है, ताकि उसका ऑर्डर कितना हो, आपका जो भी दिया है उस वो ऑर्डर बने, राइट? तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उस टाइप के एलिमेंट्स निकालते हैं जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन किसी पर्टिकुलर टाइप का हो, राइट? सो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ एन। पार्टीशन ऑफ एन की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, इट्स ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 या फिर ऑर्डर 6, लेट्स से ऑर्डर 6 इन S3, ओके, या लेट्स से S4। S4 में 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? तो कोई S4 का एलिमेंट उठाओगे तो कैसा होगा? परमुटेशन होगा। परमुटेशन में डिजाइन साइकिल्स होंगी, तो ऑर्डर 6 का है मतलब उनकी जो साइकिल्स परमुटेशन में होंगी उनका LCM कितना आएगा, लेंथ्स का, वो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, राइट? और एक चीज, जब डिजाइन साइकिल में किसी परमुटेशन को लिखोगे उनकी लेंथ का अगर सम करोगे तो वो कितना होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए, है ना? डिजाइन साइकिल में लिखोगे 4 ही एलिमेंट है तो 4 होना चाहिए। तो आप 4 को एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं डिजाइन साइकिल में, दिख रहे हैं मतलब लेंथ को हम ब्रेक कर रहे हैं 4 में। तो 4 को एक तो 4 ही लिख सकते हो, मतलब पूरा एक ही साइकिल ले सकते हो 4 लेंथ का, राइट? या फिर आप 3 लेंथ का एक साइकिल ले सकते हो और एक उसमें ऐड कर सकते हो, एक लेंथ का एक ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो 2+2 लिख सकते हो, है ना? या फिर 1+1+1+1 ऐसे लिख सकते हो, है ना? और कोई तरीका है इसको लिखने का? 4 को किसी तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनमें देखो, किसी में भी आप निकालोगे 4 लेंथ का केवल एक साइकिल लिखोगे तब भी उसका ऑर्डर कितना रहेगा, 4 रहेगा, 6 बनेगा ही नहीं। 3+1 लिखोगे मतलब 3 लेंथ का एक साइकिल, एक लेंथ का एक साइकिल, और उनका ऑर्डर जब निकालोगे इस टाइप के परमुटेशन का, मतलब आप ऐसे कुछ ले रहे हो 1, 2, 3, एक 3 लेंथ का साइकिल, एक एक लेंथ का साइकिल, S4 का परमुटेशन। तो इसका जब ऑर्डर निकालोगे तो LCM 3, 1 कितना रहेगा? 3 ही रहेगा, राइट? तो आएगा ही नहीं आपका। 6 हमें LCM बनाना है, तो 2, 2 टाइप लिखोगे तब भी नहीं बनेगा, तब भी आपका इस टाइप्स का अगर लिखोगे तब भी नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 S4 में कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इस टाइप का ही साइकिल डिकम्पोजिशन उसका हो सकता है। अब डिजाइन साइकिल फॉर्म में जब आप लिखोगे तो इसी टाइप का हो सकता है ना, ओके, 2+1+1 और हो सकता है, वो भी लिख लो 2+1+1, राइट? ये भी हो सकता है, 5 पार्टीशंस होते हैं एन के, तो जब ये भी लिखोगे इसमें भी आपका नहीं होगा, ठीक है? आपका एलसीएम 6 नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 6 के कितने हो जाएंगे? 0। तो इसीलिए हमें पार्टीशन की एन की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ पार्टीशन के लिए रिकर्सिव रिलेशन है, वो आपको अगर जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती वैसे हमें, अगर आपको चाहिए तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल फार्मूला है, उसको याद रख सकते हो। नंबर ऑफ पार्टीशन की वैसे हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपको बस पार्टीशन देखने पड़ते हैं कि क्या क्या होंगे, और उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। जैसे अगर 5 के पार्टीशन की हम बात करें तो 5 हो सकता है, 3+2 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं 3+1+1 लिख सकते हैं, या फिर हम 2+2+1 लिख सकते हैं, या फिर 2+1+1+1 लिख सकते हैं, या 1+1+1+1+1 ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे पार्टीशन है, और भी अगर कोई पॉसिबल है तो लिख सकते हो, ठीक है? तो पार्टीशन आपको देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टीशन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है? ओके फाइन, तो कुछ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, देन यू विल रियलाइज कैसे यूज करना है, क्या करना है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टीशंस या फिर नंबर ऑफ परमुटेशंस विद सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन, इसकी क्या जरूरत पड़ती है? मतलब जैसे कोई आपको, मान लिया साइकिल डिकम्पोजिशन कोई दे दे, लेट्स से साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ सम परमुटेशन सिग्मा इक्वल्स टू लैम्डा 1 to the power k1, लैम्डा 2 to the power k2, अप टू लैम्डा लेट्स से m to the power km। इनका मतलब क्या है? लैम्डा 1 to the power k1 का मतलब है लैम्डा 1 लेंथ के आपकी कितनी साइकिल्स है, k1 साइकिल्स है, लैम्डा 2 लेंथ के k2 साइकिल्स है, ठीक है? इसी को हमने ऐसे लिख लिया, लैम्डा m साइकिल्स की km आपके क्या है, साइकिल्स है, ठीक है, लैम्डा m लेंथ की। तो अगर इस टाइप का साइकिल डिकम्पोजिशन है, आपको पता करना है कि SN में कितने परमुटेशंस हैं जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन ये होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ परमुटेशंस, मैं अभी बताता हूं किसका यूज कैसे करना है, परमुटेशंस विद साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा, सिग्मा का जो साइकिल डिकम्पोजिशन है उस टाइप के कितने परमुटेशन होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन जो जो भी लिखा हुआ है अंदर, इनका सबका मल्टीप्लाई करा के देख दो, लैम्डा 1 to the power k1, लैम्डा 2 to the power k2, अप टू लैम्डा m to the power km,
राइट, और बाद में सबका फैक्टोरियल जो ऊपर पावर्स में है, K1 फैक्टोरियल, K2 फैक्टोरियल, अप टू KM फैक्टोरियल, ये जनरल फार्मूला, ये बहुत हेल्प करेगा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के निकालने के लिए। अब देखो, जैसे आपसे मान लिया पूछा जाता S6 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी पूछे थे हमने S6 में लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 पूछा जाता, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S6, तो 6 का क्या पार्टीशन ले ताकि LCM करने पर 6 मिल जाए, वही तो हमें पता करना है, राइट। तो 6 का एक तो 6 ही हो सकता है, या फिर आप 3+2 ऐसे लिख सकते हो, तब भी LCM क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब ये साइकिल डिकम्पोजिशन आपने कितना लिया, अब आपको पता करना है कि इस टाइप के परमुटेशंस कितने होंगे, मतलब एक 3 लेंथ का साइकिल, एक 2 लेंथ का साइकिल, राइट, इस टाइप के कितने परमुटेशंस होंगे, वो कैसे पता करेंगे, इस फॉर्मूले से पता करेंगे, राइट। इस टाइप का परमुटेशन होगा उसका साइकिल डिकम्पोजिशन मतलब 3, 2, है ना। तो यहाँ पे केवल 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2, एक लैम्डा 1 3 है, लैम्डा 2 2 है, उसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं, 1 समझ सकते हैं, K1 is 1 K2 is 1, राइट। और इसका फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ परमुटेशंस विद साइकिल डिकम्पोजिशन दिस, तो आपको सारे एलिमेंट इस टाइप के पता चल जाएंगे कि कितने आएंगे, ओके। जैसे ये 6 है तो इसमें केवल 6 लेंथ की साइकिल्स आपको पता करनी है, तब भी आप ये फार्मूला लगा सकते हो, या साइकिल्स के लिए आप एक जनरल फार्मूला अपने आप ड्राइव कर सकते हो कि केवल साइकिल्स आपको पता करनी है कितनी है किसी भी लेंथ की, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हो, जो चीज़ें छुट्टी हैं अगर उनका यूज होगा कहीं पर तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है अंकित, ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस, एक सेकेंड। जैसे ये देखो, पहला द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन दिस, इसका ऑर्डर आपको बताना है, तो जल्दी से निकालो इसका ऑर्डर, बताओ क्या आएगा, टू फोर जीरो परमुटेशन, आरती ने निकाल भी लिया, ठीक है आरती, थैंक यू बताने के लिए। कुछ सब क्वेश्चन करेंगे तो आप जल्दी जल्दी अब निकाल के बताते जाओ, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन 1, 2, 3, 4, जिनका इमेज है 1, 3, 4, 2, तो ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसा है, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म होनी चाहिए, राइट, तब हम एलसीएम उनका साइकिल की लेंथ्स का ले सकते हैं। तो पहले डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखते हैं, रंजना का 3 आ रहा है, ठीक है, विद्युत 3, ओके लेट्स सी, इसको पहले आप क्या करो, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखो, तो डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 तो 1 पे ही जा रहा है, ओके, देन 2 3 पे जा रहा है, 2 इज गोइंग टू 3, 3 इज गोइंग टू 4, 4 इज गोइंग टू 2, ये क्लोज हो गया, एक लेंथ का एक साइकिल, ये वाला 3 लेंथ का एक साइकिल, राइट, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं दोनों। तो एल द सिग्मा मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज सिग्मा, देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ एक बल लेंथ का, तो 1, 3, और 1 और 3 का एलसीएम 3, सो 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पंकज आपका 2 कैसे आ रहा है, उमेश बिल्कुल करेक्ट है, आरती ठीक है, आकाश ठीक है, बिल्कुल ज्योति ठीक है, तो 3 इज द आंसर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन क्या है, इफ बीटा इक्वल्स टू 4, 7, 8 देन व्हाट विल बी बीटा क्यूब, और बीटा 4, 7, 8 है तो बीटा क्यूब क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, हाँ ठीक है पंकज, 3 होगा राइट, इसका ऑर्डर, ओके कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, इट्स टाइपो मिस्टेक, ओके ओके, एनीवे आपको पता है बस वो ठीक है। तो जल्दी से बताओ बीटा क्यूब क्या होगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, बीटा अगर देखोगे 4, 7, 8, अब 4, 7, 8 है, बाकी सारी साइकिल्स नहीं है, इसका मतलब 1 लेंथ की रहेंगे सारी साइकिल्स, राइट। तो एक्चुअल अगर बीटा देखोगे तो वो कैसा दिखेगा आपका, 1, 2, 3, 4, 7, 8 है, तो वो इस लिख लेते हैं 4, 7, 8, राइट, 5, 6, 7 है, 8 है, तो इस टाइप का दिखेगा, बहुत जरूरी भी नहीं कि ये सारा लिखो, मैं बस बता रहा हूँ आपको, राइट, तो इस टाइप का दिखेगा। अब अगर ऑर्डर ऑफ बीटा आपको निकालना है तो ऑर्डर ऑफ बीटा कितना आएगा, मतलब ये सारी साइकिल्स जो लिखी हैं उनका सबका एलसीएम, एलसीएम ऑफ सारी डिजाइन साइकिल्स हैं, तो 1, 1, 1 और 3, तो एलसीएम ऑफ ओनली 3 भी आप लिख सकते हो, राइट, दिस इज इक्वल्स टू 3। अरे एक एल लेंथ की कोई साइकिल लिखे तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, एन ही हो जाएगा, ठीक है, किसी के साथ एलसीएम लेना ही नहीं है,
सो एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.3 लिख देते हैं, तो 3 आ जाएगा, ऑर्डर 3 है, राइट। अब जो 3 ऑर्डर है इसका मतलब बीटा क्यूब कितना देगा, आइडेंटिटी देगा। आइडेंटिटी क्या होता है, परमुटेशन, वो सारे एलिमेंट को फिक्स करता है। तो इनमें से देखो कौन फिक्स करा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें देखो ना 8 पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 8 लिख दिया, बाकी नहीं लिखे पर वो भी फिक्स ही है। जो नहीं लिखा वो तो बाय डिफॉल्ट फिक्स है, है ना। डी इज करेक्ट, ओके फाइन, जिसने भी आंसर दिया उसने करेक्ट ही दिया है, तो फाइन ओके ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ और क्वेश्चंस हैं, करते हैं। देखिए अल्फा इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट इज अल्फा क्यूब, बताओ जल्दी से इसका भी क्या होगा आंसर। इफ अल्फा इज 1 3 4, 3 इज द ऑर्डर, ओके, अल्फा आपको ये दिया हुआ है, देन अल्फा क्यूब पूछा गया है, शायद कमेंट थोड़ा लेट आता है, आंसर आपका आ गया होगा सबका। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ अल्फा देखोगे, डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखे हुए हैं दोनों, राइट, कोई इनमें कॉमन है 2 5 6 1 3 4 में, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम ऑफ ये, इसका लेंथ कितना है 3, इसका लेंथ कितना है 3, तो एलसीएम ऑफ 3, 3 इज 3, ऑर्डर 3 हो गया, मतलब अल्फा क्यूब इज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो अगेन यहाँ पे भी आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी इनमें से कौन सा है, ये तो आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं है, 1 2 पे जा रहा है, 3 4 पे, ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, 1 केवल लिखा है, बाकी सारे फिक्स हो रहे हैं ना। तो दिस इज आल्सो नॉट, दिस इज आल्सो नॉट, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन इन S9, S9 में किसी भी परमुटेशन का सबसे ज्यादा ऑर्डर कितना हो सकता है वो आपको बताना है। S9 में किसी परमुटेशन का मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, तो कैसे पता करेंगे, 9 के डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन करो और फिर उनका एलसीएम देखो कि मैक्सिमम एलसीएम कितना हो सकता है, ठीक है। सबने बी आंसर किया है, सो ओके फाइन, अच्छी बात है, आपको पता है। तो S9 में जल्दी से बताओ क्या आएगा, तो अगर मैं 9 को पार्टीशन करूँ तो बहुत से पार्टीशन हो सकते हैं 9 के, 9 या फिर 8+1 नंबर, आप पार्टीशन भी निकाल सकते हो जो रिकर्सिव फॉर्मूला है, बट उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है हमें। तो या फिर 7+2 या फिर 7+1+1 या फिर 6+3 या फिर 6+2+1 राइट, या फिर 6+1+1+1 या फिर 5+4 या फिर 5+3+1 या 5+2+2 5+2+1+1 या फिर 5+1+1+1+1 और भी कर सकते हैं हम, 4+5 तो कर ही चुके हैं, 4 and 3 7 कर देते हैं, 4 3 7 and 2 9 एंड 4+3+1+1 या फिर 4+, मैं सारे पार्टीशन कोशिश करता हूँ सारे लिख दूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको 20 मिल गया, सबने आंसर भी कर रहे हैं, 5 4 का अगर एलसीएम यहाँ पे निकालोगे तो मैक्सिमम आपको क्या देगा, 20 देगा। उसके अलावा शायद जितने भी आप निकाल रहे हो पार्टीशन उन सबका आप एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सेम वही मिल जाएगा, ठीक है। हेलो सर, विकास सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेलो विकास सर। तो 5 4 का एलसीएम कितना है, 20। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सब में एलसीएम 20 से आपको कम ही मिल रहा है ना, और भी आप पार्टीशन करते जाओगे 4 के बाद में 3 को भी और ब्रेक कर लोगे या जितने भी पॉसिबल पार्टीशन है, सब में आपको 20 से बड़ा कहीं भी एलसीएम नहीं मिलेगा, राइट। 24 मिल रहा है पंकज आपको, 24 किस में मिल रहा है, किसमें मिलेगा भाई विद्युत, 24 किसमें आएगा, हाँ 4+5 24 का पार्टीशन बताओ ना आपको, 24 किसमें मिल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं 24 2+3+4 4 3 7 and 2 9 ओके, तो 4 3 और 2 इसका एलसीएम निकालोगे तो 24 थोड़ी आएगा, हाँ तो वही चीज है ना, तो 20 हो जाएगा मैक्सिमम, आप शायद एलसीएम गलत कर रहे हो, सो 20 इज द करेक्ट आंसर, 20 क्या हो जाएगा आपका सबसे मैक्सिमम मिल सकता है, तो 20 ही हो सकता है, ओके। आपने सबका साथ मल्टीप्लिकेशन 2 3 4 का करा दिया है, उसको मल्टीप्लिकेशन थोड़ी करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो वो 12 भी आएगा, ओके फाइन।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गामा इक्वल्स टू 2639, व्हाट इज गामा टू द पावर 4? ये भी उसी टाइप का जैसे अभी दो कर चुके हैं हम. गामा आपको ये दिया है, तो गामा टू द पावर 4 जल्दी से बताओ क्या आएगा. गामा का ऑर्डर देखो क्या है, 2639, राइट. कहीं का भी एस नाइन का एलिमेंट दिख रहा है, बाकी सारे फिक्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ गामा कितना हो गया, 4. तो गामा टू द पावर 4 क्या होगा, आइडेंटिटी. तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये बहुत ईजी है, कर ही लोगे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा. व्हाट इज गामा इनवर्स, सॉरी अल्फा इनवर्स. एलसीएम इज 12, सर वही गलत कर दिया था. इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा. इफ अल्फा इक्वल्स टू 257 36 418, देन व्हाट इज अल्फा इनवर्स. हाँ, उसका सी हो गया, उसका सी था, बिल्कुल करेक्ट है, पंकज एंड विद्युत. जब आप लोगों ने 24 बोला तो मुझे भी एक बार लगा कि शायद मैं मिस कर रहा हूं, मे बी 24 हो सकता है, पर 24 उसमें नहीं था. ठीक है, बताइए जल्दी से. अल्फा अभी मैंने आपको बताया था कि पहले डिजॉइन साइकिल फॉर्म में लिख लो और फिर उसका इनवर्स निकालने के लिए साइकिल्स को उल्टा. ये देखो सारी डिजॉइन साइकिल ही लिखा हुआ है, राइट. और वैसे भी डिजॉइन साइकिल में नहीं भी लिखा तब भी आप इनवर्स के लिए क्या करना है, केवल उल्टा कर देना है साइकिल्स को. तो अल्फा इनवर्स क्या हो जाएगा, सबको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा आपका 752, ओके. ये हो जाएगा 63 एंड ये हो जाएगा 418. अब ये देखना है कि हो सकता है परमुटेशन जो यहाँ पे दिए हैं वो इस टाइप के ना हो, राइट. तो आपको क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि साइकिल हमारी बनी रहनी चाहिए, राइट. साइकिल हमारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए. जैसे पहली साइकिल है 752, तो इनमें से देखो 7 के बाद 5, 5 के बाद 2 आना चाहिए. 7 के बाद अगर देखोगे इसमें कितना आ रहा है 2, या फिर 5 के बाद 7 आ रहा है, पर 5 के बाद 2 आना चाहिए. साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, राइट. 2 5 7 ऐसे चलना चाहिए. तो नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो 2 7 5, 2 के बाद 7, 7 के 5, तो ये तो ठीक है. 3 6 63 वो भी ठीक है, ये भी हो जाएगा. 418 418, तो बी करेक्ट हो जाएगा मुझे लगता है. 275 बी करेक्ट होगा, राइट. बी इज द करेक्ट आंसर, आकाश ने शायद बताया है, बाकी लोग शायद पिछले का आंसर बताया, तो बी हो जाएगा. और भी देख सकते हैं, कोई और किसी में कोई दिक्कत हो रहा है क्या. 2 के बाद 5 आ रहा है, 2 के बाद क्या आना चाहिए, साइकिल देखेंगे तो 2 के बाद 7 आना चाहिए, तो ये तो नहीं है. 2 के बाद 7 आ रहा है, राइट. 7 के बाद 5 आ रहा है, दिस इज फाइन. 3 6 आ रहा है, बट ये वाला साइकिल देखोगे 4 के बाद क्या आ रहा है, जस्ट 8 आ रहा है, पर यहाँ पे 4 के बाद क्या है, 1 है. तो ये साइकिल ठीक नहीं है, इसका उस तरीके की साइकिल नहीं है, इसमें साइकिल ब्रेक हो रही है आपकी, ठीक है. सो वी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके. तो मे बी आपने निकाल लिया होगा आंसर, पर आपको देखने में फिर गड़बड़ हो रहा होगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. तो आपको देखना है कि मेरी साइकिल बनी रहनी चाहिए, जो साइकिल्स यहाँ पे हैं उनका वही सीक्वेंस रहना चाहिए. अगर साइकिल ब्रेक हो जाएगी तो फिर वो गलत हो जाएगा, ओके. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन S5 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं. अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, S5 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे. तो 5 को पहले तो ब्रेक करो, फिर ब्रेक करने के बाद देखो उनमें कौन कौन से LCM आपको 4 दे रहे हैं, राइट. जो LCM 4 दे रहे हैं उसमें फिर उस टाइप के साइकिल डिकम्पोजिशन जिन परमुटेशन का है उतने कितने परमुटेशन उस टाइप के होंगे वो निकालना है. नहीं, D होगा. पंकज एक बार चेक कर लो, ठीक है. देख एक सेकेंड चेक कर लेते हैं. देखो 814, ओके. इसको शायद मैंने उल्टा नहीं किया, ओके. 418 को मैंने उल्टा किया ही नहीं है, तो एक सेकेंड इसको उल्टा कर लीजिए. जस्ट अ मिनट, ठीक है, बताने के लिए थैंक यू. 814 इसको उल्टा नहीं किया था मैंने, राइट. 814 हो जाएगा. अब इसको चेक कर लो तो शायद 418 वाला ये साइकिल, ये वाला ठीक नहीं रहेगा, फिर ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है. ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस इस लास्ट वाली साइकिल को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो जो लोग बी बता रहे थे वो गलत है. ठीक है, ओके. ठीक है, सिंपल है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है. ये वाला देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन S5, ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स S5 में कितने होंगे वो बताना है. 25 आंसर ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 मतलब क्या, ऑर्डर 4 के पूछे ना आरती, ठीक है. तो 5 को आप पार्टीशन करो, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 या फिर 4+1 या फिर 3+2, सारे पार्टीशन लिख लो. वैसे तो अगर आपको आइडिया है कि 5 का पार्टीशन कौन सा हमें 4 LCM देगा, तो केवल आप वही लिख सकते हो, निकाल सकते हो, या फिर 3+1+1, या फिर आप लिख सकते हो इसको 2+2+1, या फिर 2+1+1+1, या फिर 1+1+1+1+1. अब इनमें देखो कौन सा LCM 4 दे रहा है,
फोर प्लस वन वाला यही देगा, उसके अलावा कोई एलसीएम फोर देगा आपको? नहीं देगा, राइट। तो इस टाइप के हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, फोर कॉमा वन टाइप के, फोर फोर वन, फोर प्लस वन मतलब जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन कैसा होगा, फोर कॉमा वन टाइप का, राइट। और अभी हमने इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया है, फोर कॉमा वन टाइप का मतलब फोर लेंथ का केवल साइकिल, तो साइकिल आप डायरेक्टली निकाल लो कि फोर लेंथ की कितनी होंगी, या फिर जो जनरल फॉर्मूला बताया उससे निकाल लो। तो इस साइकिल डिकम्पोजिशन टाइप के परमुटेशन कितने होंगे, कहाँ पे, एस फाइव में, तो एन कितना है 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 टू द पावर 1 इनटू 1 टू द पावर 1 इनटू, ये जो पावर्स में उनका फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 आएगा, तो इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये कितना आ जाएगा 30, राइट। सो 30 इज द करेक्ट आंसर, ओके, बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने 30 ही बताया है। इस टाइप से करना है आपको, और ये सारे पार्टीशन वगैरह ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, बस 5 को देख के आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि 5 को कैसे ब्रेक करें ताकि एलसीएम हमें 4 मिले। 4 प्लस 1 पे ही एलसीएम 4 देगा, बाकी किसी में भी नहीं देगा, इसमें 2 देगा, इसमें भी 2 देगा, इसमें 3 देगा, इसमें 6 देगा, इसमें 1 देगा, राइट, इसमें 5 देगा। तो एक ही केस है जहां पे 4 प्लस 1 कर सकते हैं, तो इस साइकिल डिकम्पोजिशन टाइप के कितने परमुटेशन होंगे वो निकाल लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, नंबर ऑफ टू साइकिल्स इन S4, नंबर ऑफ टू साइकिल्स इन S4, तो टू साइकिल का पहले साइकिल डिकम्पोजिशन देखिए क्या होगा, वो मैं एक बार बता देता हूँ, फिर आप निकाल के बताओ, ठीक है, मे भी कुछ लोगों को ना बताओ। टू साइकिल कैसा दिखेगा, मतलब 1 2 जैसे हो गया, अब S4 का एलिमेंट है, राइट, टू लेंथ का एक साइकिल हो गया, बाकी सारे तो फिक्स होंगे ना 3 4, इस टाइप के परमुटेशन। अब जरूरी है कि 1 2 ये और भी हो सकता है, लेट्स से ऐसा भी हो सकता है 3 4 1 और 2 फिक्स हो जाए, है ना। तो साइकिल डिकम्पोजिशन अगर इन टाइप के परमुटेशंस का देखोगे, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ टू साइकिल्स, तो उनका कैसा बनेगा, एक तो टू लेंथ का साइकिल होगा और 1 लेंथ के 2 साइकिल्स होंगे, तो आप 1 to the power क्या लिख सकते हो 2, ओके। इस साइकिल डिकम्पोजिशन टाइप के आपको क्या करना है, एलिमेंट्स निकालने हैं एस फोर में। तो अभी जनरल फॉर्मूला जो हमने बताया है उससे आप निकाल सकते हो साइकिल डिकम्पोजिशन, अगर पता हो गया आरती का 6 आ रहा है, ठीक है, लेट्स वेट फॉर अदर्स। तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन कितने हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल, विच इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 1 इंटू 1 टू द पावर 2 इंटू पावर्स का फैक्टोरियल लेना है, तो पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू, ये तो 1 फैक्टोरियल है, ये ध्यान रखिएगा, 1 इंटू 2, तो 2 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई थिंक 6 आना चाहिए, राइट, 6 आया है लोगों, पंकज शायद आपका 9 गलत आ रहा है, 6 आएगा, ठीक है, राबल आपका भी सही, आकाश 6 इज द आंसर। तो नंबर ऑफ टू साइकिल्स इन S4 कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। आप देख भी सकते हो S4 में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते, आप इस टाइप के कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 1 3 1 4 2 3, इस टाइप से बना सकते हो, तो 6 ही टू साइकिल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। रंजना बिल्कुल सही है, 2 ओके यू आर राइट, पर टू साइकिल्स पूछा है पंकज, आप सही बोल रहे हो, टू ऑर्डर के अगर परमुटेशन पूछा जाता देन आप बिल्कुल सही थे, ओके, टू साइकिल्स मतलब एक टू लेंथ का साइकिल, बाकी सारे फिक्स, हाँ बिद्दू आप भी ठीक बोल रहे हो, पर टू ऑर्डर के एलिमेंट नहीं पूछे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टू साइकिल्स, साइकिल कैसे फॉर्म करा, साइकिल कैसे फॉर्म करा, टू लेंथ का साइकिल केवल आप ऐसे लिख सकते हो 1 2, इनको मत लिखो, ठीक है, ये टू लेंथ का साइकिल है, अब टू लेंथ का साइकिल तो है, पर इसका जब साइकिल डिकम्पोजिशन लिखोगे तो बाकी सारे भी तो साइकिल्स पता होनी चाहिए ना, क्योंकि साइकिल के लेंथ का सम करने पर 4 होना चाहिए, ये तो 2 लेंथ का है तो 2 और भी तो आना चाहिए ना कुछ, हाँ वही मैं बता रहा हूँ इन लोगों को, राइट, 2 लेंथ का अगर 2 ऑर्डर के परमुटेशन पूछे जाते तो शायद विद्युत एंड पंकज जो बोल रहे हो बिल्कुल सही था, ठीक है, पर वो नहीं हमसे पूछा गया है, ओके। ये क्वेश्चन देखिए क्या है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन A6, इसका आपको क्या करना है, कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है, इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि क्या आएगा, और कुछ और हम लोग परमुटेशन के ही क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे, मिलते हैं कल फिर से शाम को 6 बजे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।